अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जी तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बनाना स्मूदी विद वॉलनट, यानी अखरोट और बनाना का जो है वो स्मूदी बनाएंगे। और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें हमारे पास है ये 1 बनाना, बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत डिलीशियस स्मूदी बनती है ये। इसमें आपको बनाना भी यानी ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट दोनों की स्मूदी होगी ये, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की होती है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होप आप इंजॉय करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 बनाना, ये हमने चॉप कर लिए हैं, वॉलनट्स 2 टेबल स्पून, ये हमारे पास लो फैट योगर्ट है, आप काओ का जो है वो मिल्क यूज़ कर सकते हैं योगर्ट बनाने के लिए, या काओ योगर्ट, काओ मिल्क योगर्ट बना लें, ले लें, रेडी भी मिल जाता है। ये है 1 पिंच जो है ये, या 1/4 टी स्पून आप कह लें, ये हमारे पास कैडमम पाउडर है, या छोटी इलायची जिसको हम सब्ज़ इलायची कहते हैं उसका पाउडर है, और इसमें अ लिटल मिल्क जो है, अ लिटल बिट मिल्क, जस्ट अ लिटल मिल्क आप यूज़ करेंगे, ये तो ज़्यादा है, हम इससे भी थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास हनी है, हम इसमें शुगर रेडी नहीं डालेंगे, इसमें हम हनी डालेंगे, हनी से रेडी करेंगे इसको, स्वीटन जो है वो हनी करेगा इसको, क्योंकि इसका ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपने ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे 1 बनाना, और ये हम ऐड कर देंगे कुछ अखरोट या वॉलनट, ये हमारे पास है कैडमम पाउडर या छोटी इलायची का पाउडर, ये है 1/2 कप योगर्ट, लो फैट योगर्ट, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी एज रिक्वायर्ड, एज यू लाइक। आई जस्ट एडेड 1/2 टेबल स्पून, यू मे ऐड एज यू रिक्वायर्ड और यू लाइक। Then we will add a little milk, and blend it. Our banana and walnut smoothie is ready to take. अब हम इसको ग्लास में सर्व करेंगे। जी तो व्यूअर्स, यह हमारी बहुत ही हेल्दी यम्मी बनाना वॉलनट स्मूदी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम गार्निश करेंगे हमारे वॉलनट्स के साथ, कुछ वॉलनट्स जो हैं वो हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारी बहुत ही हेल्दी यमी एंड टेस्टी और बहुत ही बेनिफिशियल बनाना वॉलनट स्मूदी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वॉलनट स्मूदी, वॉलनट बनाना स्मूदी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होप आप इसको ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।